और बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर का, जहां भिलाई में मलकीत सिंह मर्डर कांड में आज नाराज सिख पंचायत ने भिलाई और दुर्ग बंद बुलाया है। बंद के मद्देनजर जहां पुलिस ने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए हैं, वहीं बंद को बीजेपी और चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी अपना समर्थन दिया। पीड़ित परिवार और बीजेपी ये मांग कर रही है कि पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, साथ ही परिवार को 50 लाख रुपए की रकम बतौर मुआवजा दी जाए। और यहां पर गिरती कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मामले पर आवाज बुलंद कर रही है। वहीं कुर्सी पर थाने के बाहर धरना प्रदर्शन कर सरकार की नाकामियों के खिलाफ प्रदर्शन भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि सिख पंचायत ने दुर्ग भिलाई बंद बुलाया है, बीजेपी ने बंद का समर्थन किया। भिलाई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बंद का कॉल किया गया और बंद बुलाया गया, और इस बंद का जो असर है वो भी लगभग मिला जुला ही दिखाई दिया। और पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग के साथ साथ 50 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने की भी मांग कर रहा है। परिवार के एक सदस्य की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है सिर्फ नारा लगाने पर। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है और आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार को फेल नाकाम बता रही है। 15 सितंबर की रात को 8-9 लड़कों ने बहुत बेरहमी से मारा उसको, ठीक है, ये ITI ग्राउंड के पास 7:30-8 बजे की बात है। बहुत बड़ा टाइम नहीं था सर, 7:30-8 बजे बहुत बड़ा टाइम नहीं होता है। 8 लड़कों ने एक निहत्ते लड़के को इतनी बेबसी से मारा है, उसके ऊपर नाचे, उसके हथेड़ियां, रिप्स, आप उसकी हिप बोन, चेस्ट और इसका ब्रेक, ये फ्रैक्चर हो गया सर। इतनी निर्मता से मार के उसका वीडियो बनाया गया, उस पर नाचा गया, इतनी बेरहमी से मेरे भाई की जो हत्या की गई है, हमारी बस यही मांग है कि उस जो दोषी है उनको फांसी की सजा दो। सर हम यहाँ पे 3 दिन से बैठे हुए थे, शुभम शर्मा जो इन नेताओं का चमचा है, ठीक है, उनका नाम नहीं लिखा गया है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, क्यों? क्योंकि वो इस सत्ता का खास आदमी का बंदा है। तो छत्तीसगढ़ सरकार से हम यही उम्मीद करते थे, हम 2-3 दिन से अपनी मांगे रखे कि मेरी भाभी, मेरा भाई चला गया, उसके 2 छोटे बच्चे हैं, उन्हें कुछ मुआवजा दिया जाए, दोषियों को फांसी दी जाए और उसे कुछ सरकारी नौकरी दी जाए ताकि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। 2 छोटे बच्चे हैं, 1 LKG में है, 1 क्लास 1 में है। आप बताइए ये 2 बच्चों का कौन करेगा, इतनी छोटी सी मांग है। आज यहाँ पे नेताओं की औरतें मार्केट जाती हैं तो 4-4 गाड़ी आगे पीछे जाती है, वो जो पेट्रोल का पैसा है ना, हमारे टैक्स से देते हैं, वो हमारे टैक्स के लिए, और यहाँ पे अगर वो नेता बने तो जनता की सुरक्षा के लिए बने। 4 साल से वो ITI ग्राउंड में 36 मर्डर हो गए हैं, आज तक प्रशासन जागी नहीं है, जबकि ये तो उनको खुद मुआवजा, खुद सब कुछ करते। आज भिलाई में इतना क्राइम बढ़ चुका है कि कोई परिवार सुरक्षित नहीं है। आज ये घटना मेरे भाई के साथ हुई है, या आपके घर पे किसी के साथ भी हो सकता है। आए दिन वहाँ पे रेप होता है, मर्डर होता है, चरस, गांजा, सट्टेबाजी, सब कुछ होता है। पुलिस प्रशासन क्यों सो रही है, क्यों किसी के कॉल पे शुभम शर्मा का नाम नहीं लिखा गया, क्यों शुभम शर्मा को अभी तक पेश नहीं किया गया? ये धरना हमें अपने भाई के इंसाफ के लिए चाहिए। मेरा भाई मरते दम तक बोल के गया कि बहन मेरे को इन लोगों ने बेमतलब का मार दिया है, छोड़ना मत इन लोग को, इन्होंने मुझे बहुत मारा है, इन लोगों को छोड़ना नहीं, ये इसकी आखिरी इच्छा थी, और जब तक ये नहीं करेंगे हम मर जाएंगे, यहाँ से उठेंगे नहीं। बस मेरे भाई को इंसाफ चाहिए, दोषियों को सजा दो। और रायपुर से बड़ी खबर, जहां अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा। अजय चंद्राकर का मल्लिकार्जुन खड़गे पर सीधा वार, TS सिंहदेव के